तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तीरे लहू से भी दामन है दागदार मेरा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहावत है कि दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है और उगते सूरज का रंग भी लाल होता है, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उसके ही पुराने सहयोगी लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों के विरोध के बाद कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शिवसेना ने पीएम की वीरता पर ऐसा बयान दिया जिसके बाद भाजपाई छटपटा रहे हैं। लेकिन भाजपाई करे भी तो क्या करे, आखिर कोई रास्ता भी नहीं है। किसानों के चक्कर में मोदी पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। मोदी सरकार अपने ही बनाए कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद इस तरह से जलील होगी किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन कुर्सी जो ना करवा दे। अब शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने अपने एक बयान में पीएम मोदी की तुलना बैल से कर दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि बैल चाहे कितना भी गुस्सैल हो, चाहे कितना भी हट धर्मी क्यों ना हो और चाहे कितना ही जिद्दी क्यों ना हो, किसान हर तरह के बिगड़ैल बैल को काबू करना जानता है। आखिर कैसे शिवसेना और संजय राउत मोदी सरकार पर जबरदस्त वार किया है, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान का ऐलान क्या कर दिया, क्या अपने और क्या पराए, सब के सब मोदी को लाल आंख दिखाने लगे। दुनिया का दस्तूर भी यही है, लोग केवल चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। अब बीजेपी की सबसे पुरानी साथी यानी शिवसेना भी किसानों के मामले में मोदी को बड़ी बड़ी चुनौतियां देने लगी है। शिवसेना के फ्रायर ब्रांड नेता संजय राउत भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने मोदी पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा है और ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने ट्वीट में लिखा, बैल कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है, जय जवान जय किसान। संजय के जैसा ट्वीट करने वाला पूरे विपक्ष में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसने खेती किसानी और बैल को लेकर सीधे मोदी सरकार पर इस अंदाज में कटाक्ष किया हो। संजय राउत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वे अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे किसान नेता राकेश टिकैत के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ संजय राउत ने लिखा, ट्रैक्टर और जेसीबी का साथ कृषि कानून हुआ साफ। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से ही किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। किसान बहुत राज्य खास पंजाब और हरियाणा में भाजपा के सांसदों और विधायकों के खिलाफ किसान मोर्चा खोल रखा है। खुद हरियाणा के भाजपाई मुख्यमंत्री भी अपने राज्य में रैली और प्रोग्राम करने से बच रहे हैं क्योंकि किसान हर जगह पहुंच विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कानून वापसी के बाद खुद मोदी सरकार का मजाक बनने लगा है। बीजेपी के लिए सबसे अफसोस की बात यह है कि जिन किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी अरबन नक्सल आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था, अब उन्हीं किसानों के चरणों में पूरी सरकार गिर चुकी है क्योंकि सामने कई राज्यों का चुनाव नजर आ रहा है। इसलिए मोदी सरकार और बीजेपी के किसानों का सामना करना और भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था। कोई भी भाजपाई इस वक्त किसानों से नजर मिलाने के लायक भी नहीं रह चुका है। ऐसे में कानून वापसी के अलावा मोदी सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इस फैसले के बाद से विपक्षी दलों के नेता सरकार पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों के आंदोलन के सामने आखिर सरकार को झुकना पड़ गया है। बीजेपी सबसे पुरानी साथियों में शुमार शिवसेना इस वक्त बीजेपी की सबसे करीबी दुश्मन बन चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ राजनीतिक गतिरोध के बाद शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुखिया बन गए, लेकिन बीजेपी के साथ बहुत बुरा हुआ। बीजेपी के कई राज्यों संपन्न हुए उपचुनाव में बहुत ही बुरी तरह से हार गई, जिसके बाद बीजेपी के तेवर नरम पड़ने लगे। उसी वक्त इस बात का अंदाजा हो गया था कि जल्द ही किसानों के सामने मोदी सरकार झुकने की तैयारी कर रही थी। बहरहाल किसानों की जीत हुई और मोदी सरकार का घमंड चकनाचूर हो गया। लेकिन जिस तरह संजय राउत ने मोदी की तुलना बैल से की है वो काफी लाजवाब है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहमद जावेद ने भी क्या खूब फरमाया है, खबर नहीं है मीरे बादशाह को शायद।
खबर नहीं है मीरे बादशाह को शायद हजार मर्तबा आजाद ये गुलाम हुआ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।